टूडोर ये कंपनी से लग हाँ, के ये आया लग था, किया, ये ठीक है, हटा हमने के ऑल फोर कर ऑल दिया, फोर वाला लगा रहे हैं इसके अंदर। ऑटो फोल्डिंग का भी अपडेट हो रहा है भैया, ऑटो फोल्डिंग भी अपडेट हो रहा है, वो ऑटो फोल्ड का स्विच यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इस मॉडल में ये वाला कंसोल लग के आ रहा है, ये वाला कंसोल इसमें आता ना स्पेस कम मिलता है सामान वगैरह रखने के लिए, तो ये हटा के टॉप मॉडल वाला कंसोल लगा रहे हैं, इसके अंदर ना स्पेस बड़ा स्पेस मिलता है। अच्छा ये देखो भाई, बड़ा स्पेस है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अभी यूएसबी सॉकेट भी लगेगा ओरिजिनल टाटा का, ठीक है। और एक यहाँ सिगरेट लाइटर भी लग गया आपका। अच्छा देख सकते हो, तो पुराने वाले में नहीं था ये? नहीं, पुराने वाले में प्लेन आता है। अच्छा, पूरा पैक होता है ये? हाँ, ये टॉप मॉडल में जो आता है ना, ये ओरिजिनल टाटा का ये, ठीक है। और यहाँ पे ओरिजिनल यूएसबी सॉकेट भी आएगा, और देख सकते हो सारे जेन्युइन पार्ट्स है टाटा का। हमारा टाटा का यहाँ से लोगो देख सकते हो, ये सारे जेन्युइन पार्ट्स है, देख सकते हो टाटा, ठीक है। ये दो पार्ट्स में आता है, ये फिट हो जाएगा प्रॉपर। अच्छा, दोनों अभी साथ में कॉम्बाइन होकर लगे, यूनिक दिखा रहा। बेस मॉडल में आप लोग होता है इतना स्पेस नहीं मिलता, ये पूरा कवर मिलता है, बट हमने ये पूरा पार्ट ही रिमूव करके टॉप मॉडल का लगा दिया। ये पूरा पार्ट चेंज हुआ है, और बेस मॉडल में इतनी स्पेस नहीं मिलती जगह सामान रखने के लिए, ठीक है। तो ये अलार्म टॉप मॉडल वाला लगाया, जैसे टॉप मॉडल का आर्मरेस्ट आता ना बराबर, तो आर्मरेस्ट चेंज नहीं करा, खाली ये वाला पार्ट चेंज करा, ठीक है। और इसके अंदर हमारे को देख सकते हो यूएसबी सॉकेट भी मिल जाता है, यूएसबी सॉकेट लगाया पूरा, ये देखो भाई बेहतरीन। यहाँ पे आप सिगरेट लाइटर जैसे कि मैं दिखा रहा था 12 वोल्ट की, ये देखो लगाया, इस पर चार्जिंग पॉइंट हो गया कोई एक्स्ट्रा, ठीक है। यूएसबी सॉकेट भी प्रॉपर है टाटा जेनमन है, यहाँ से आप यूएसबी लगा के कुछ वीडियो ऑडियो सुनना है तो लगा के सुन सकते हैं। सोचते यार बेस मॉडल में काम करवाएंगे, कहीं गाड़ी की वारंटी में दिक्कत ना जाए, तो वो चीज़ नहीं, हमारे जो काम होगा बिल्कुल परफेक्ट काम होता है, और टाटा के जेनमन काम होता है, कपलर टू कपलर काम होता है, तो कहीं से भी आप टाटा से भी चेक करवा सकते हो, कहीं से कोई गारंटी वारंटी में दिक्कत नहीं। डिस्काउंट वगैरह भी काफी अच्छा करा है। हाँ हाँ, तो सही है, काम सारा जेन्युइन रेट है, ऐसी ऐसी बात नहीं, ज्यादा रेट है, जेन्युइन रेट, मतलब जो सोच के आए थे उस हिसाब से गाड़ी रेडी हुई है हमारी। चलो भाई, थैंक यू। आज हम लोग वंस अगेन आए हैं डिजिटल कार श्रृंगार, और ये हमारे सामने थी ऑल न्यू अल्ट्रोस का बेस मॉडल, बट आप लोग बताए टाटा में किंग है तो इसको बेस मॉडल रहने का देंगे, साथ में भाई एक अल्ट्रोस टॉप मॉडल भी यहाँ पे खड़ी है, तो इसमें कुछ अलग टाइप की मॉडिफिकेशन की जा रही है, बेस टू टॉप तो हो ही रहा है, बट कुछ हमेशा की तरह यूनिक आपको व्लॉग में दिखाया जाता है, तो इसमें क्या यूनिक है मैं धर्मेंद्र भैया को इंट्रोड्यूस करता हूँ। धर्मेंद्र भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र भैया, आज के इस एक ब्लॉग में हम यूनिक क्या दिखा रहे हैं, उससे पहले इस गाड़ी में किस लेवल की मॉडिफिकेशन की जा रही है? ये बेस मॉडल है अपनी एक्सी मॉडल, जैसे कि इसमें टू डोर कंपनी से पारोंडो लग के आती है, ठीक है। तो फोर डोर वाला लगा रहे हैं, फ्रंट से बैक का जो पारोंडो कंट्रोल होता है, ठीक है, तो वो लगा रहे हैं ओरिजिनल टाटा की, और पीछे भी पूरा पैनल स्विच वगैरह सारा लगेगा, ठीक है, ओरिजिनल टाटा की देख सकते हो। ये देखो भाई सारा कुछ, सारे पार्ट्स वगैरह चेंज होते हैं, ये सारे जेनुइन पार्ट्स है पीछे के, ठीक है, दोनों पैनल चेंज होते हैं, ठीक है। ये पीछे के दो स्विच के पैनल है ये भी चेंज होते हैं, ठीक है, और ये फ्रंट के स्विच के पैनल ये भी चेंज होते हैं। गाइस ये देख लो, साथ साथ भी आप लोग को अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ मैं आप लोग को डीपली दिखा दूँ, तो देखो पूरा हर एक पार्ट चेंज होता है, उसी डोर पैनल में लग जाता है, देखो टाटा का हमारा सारा ऊपर का पैनल चेंज होता है भैया, ठीक है। और ये जो है आपका, देखो भाई पूरा ब्रांड न्यू हमारा अनबॉक्सिंग, ये स्विच है ओरिजिनल टाटा का, ये ऑल फोर वाले हमारे स्विच होगा, ठीक है, वो यहाँ पे फिट हो जाएंगे, ठीक है। कंपनी से जो लग के आया ना, टू डोर कंपनी से लग के आता है। अच्छा, टू डोर ये कंपनी से लग के आया था, ये हटा के ऑल फोर वाला लगा रहे हैं इसके अंदर। ऑटो फोल्डिंग का भी अपडेट हो रहा है, ऑटो फोल्डिंग भी अपडेट हो रहा है, वो ऑटो फोल्ड का स्विच यहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिनल, ठीक है, अभी फिट होगा, ठीक है, ठीक है। और ये देख सकते हो टाटा का ओरिजिनल जेनुइन सारे पार्ट्स हैं, तो सारे जेनुइन पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो नया काम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग, ये बेस मॉडल में ये वाला कंसोल लग के आ रहा है, ये वाला कंसोल, इसमें ना स्पेस कम मिलता है सामान वगैरह रखने के लिए, तो ये हटा के टॉप मॉडल वाला कंसोल लगा रहे हैं, इसके अंदर ना स्पेस बड़ा स्पेस मिलता है। अच्छा ये देखो भाई, बड़ा स्पेस है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अभी यूएसबी सॉकेट भी लगेगा ओरिजिनल टाटा का, ठीक है। और एक यहाँ सिगरेट लाइटर भी लग गया आपका। अच्छा देख सकते हो, तो पुराने वाले में नहीं था ये? नहीं, पुराने वाले में प्लेन आता है। अच्छा, पूरा पैक होता है ये? हाँ, ये टॉप मॉडल में जो आता है ना, ये ओरिजिनल टाटा का ये, ठीक है। और यहाँ पे ओरिजिनल यूएसबी सॉकेट भी आएगा, और देख सकते हो सारे जेनुइन पार्ट्स है टाटा का, हमारा टाटा का यहाँ से लोगो देख सकते हो भाई, ये देखो ये सारे जेनुइन पार्ट्स है, देख सकते हो टाटा, ठीक है। ये दो पार्ट्स में आता है, ये फिट हो जाएगा प्रॉपर। अच्छा, दोनों अभी साथ में कॉम्बाइन होके लगे? हाँ जी, ठीक है भैया। और ये जैसा सेंटर कंसोल है, ये अभी दिखा देंगे लगने के बाद, ठीक है। और भी इसमें काम चल रहा है, ऑटो फोल्ड मिरर का काम चल रहा है, इसमें ऑटो फोल्ड लग के नहीं आता, तो ऑटो फोल्ड मिरर कर रहे हैं, ठीक है। और ये अभी नॉर्मल है, फोल्डिंग या मोटराइज नहीं होता, अभी ये नॉर्मल होता है। हाँ जी, नॉर्मल होता है, इसमें ऑटो फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और ये ऑटो फोल्ड का ये स्विच है प्रॉपर, वो उसके अंदर पैनल में फिट हो जाएगा ये स्विच, ठीक है। ये भी जेनुइन टाटा का ओरिजिनल है, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर स्पीकर लगा रहे हैं, यहाँ से देख सकते हो आप, फ्रंट से। मैं इधर आके आप लोग को दिखा देता हूँ, तो ये देखो
यहाँ पे स्पीकर का भी अपडेट हो रहा है, इन्फिनिटी प्राइमस के स्पीकर लगाए हैं, हरमन के जो आते हैं और यहाँ पे टूटर का जगह जो आता है अपनी अल्टोज में वहीं पे प्रॉपर यहाँ पे टूटर इंस्टॉल हो गए, अंदर फिट हो गए ये पूरा। बैकडोर में गाइस बैकडोर भी आप लोगों को साथ के साथ दिखा दूं तो ये देखो इन्फिनिटी प्राइमस के कॉक्सियल, यहां से देख सकते हो गाइस, इधर आके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, तो ये देखो इन्फिनिटी प्राइमस के कॉक्सियल लगा रहे हैं हरमन के जो आते हैं, मतलब जो कॉम्बो हमारा कंपोनेंट को एक्सेल का होता है वही रहने वाला। और पीछे जो जैसे कि दिखा रहे थे कि पावर विंडो नहीं आता, मैनुअल मैनुअल वाला आता है हैंडल वाला, तो ये हटके पावर विंडो लग जाएगा ओरिजिनल जेन्युइन वाला। ठीक है जी, बाकी और बहुत सारे काम चल रहे हैं जैसे आयर विंग वगैरह लग रहे हैं टाटा के, शीशे चेंज होंगे। ठीक है, बैक कैमरा लगेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, लग चुके हैं हमारा OEM कैमरे का जो जगह होती है हमेशा, ये प्रॉपर ही अभी इंस्टॉल होगा, प्रॉपर फिट हो जाएगा, पूरा अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, टी और आर के बीच में लगाते हैं शुरू से, जैसे कंपनी से लग के आता है ठीक है उसी जगह पे अपना ये बैक कैमरा इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, ब्रेक लाइट ओरिजिनल टाटा का जेन्युइन ये इंस्टॉल हो गए, रिफ्लेक्टर का भी अपडेट होना है, रिफ्लेक्टर भी हो चुके लग चुके हैं। ठीक है वो सब एंड में दिखाने वाली चीज है, बाकी एंटीना वगैरह बहुत सारे काम चल रहे हैं, सीट कवर हो रहे हैं, फ्लोरिंग हो रही है। ठीक है, जो भी होगा सारे एक ओवरऑल जो हमेशा बेस की टॉप से जो हमें हमेशा हमारा रहता है मॉडिफिकेशन वो तो है ही, बट यूनिक क्या है जो हम पूरा पैनल चेंज कर रहे हैं, पैनल चेंज कर रहे हैं अभी, एमएल लाइट भी लगा रहे हैं इसके अंदर K4, बहुत सारे काम है वो एक एक करके दिखाएंगे, बूट लैंप वगैरह बहुत सारे काम है। तो गाइस मैंने आप लोग को हमेशा की तरह बिफोर दिखा दिया कि जब हमारी गाड़ी खुलती है तो क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन हो रही है और किस लेवल तक लेके जा रहे हैं, और काम भाई आप लोग पता है हमेशा की तरह डिजिटल कार श्रृंगार बोर्ड आप लोग देख सकते हो, न्यू बोर्ड है हमारा भाई, आप लोग बाकी एक बार कार हमारी रेडी हो जाए फिर मैं आपको हर एक चीज डिटेल में दिखाता हूँ, तो ब्लॉग एंड तक देखना। और इन्फिनिटी प्राइमस का देखो, पूरा प्राइमस का ये देख सकते हो, प्राइमस सीरीज का है हरमन का इन्फिनिटी का। ठीक है, फ्रंट में कंपोनेंट और बैक में कॉक्सियल एक्सेल हमारा, और एक हॉर्न भी लगा रहे हैं क्रेटा साउंड वाले। ठीक है, वो भी अपडेट हो रहा है, ये बूट लैंप वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है गाइस, अब भाइयों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मॉडिफिकेशन करने देते हैं, तो एक बार कार हमारी रेडी हो जाए फिर मैं आपको हर एक चीज डिटेल में दिखाऊं। सो गाइस ये है वो फाइनल टाइम जिसका आपको और मुझे रहता है बेसब्री से इंतजार, जब हमारी गाड़ी टोटली रेडी हो जाती है तो अब इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हमारे डिजिटल कार कर देते हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है वो लोग जानते हैं, बट जो हमारे नए भाई जो वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि भाई हमें न्यू एल्ट्रॉन लेना है, बेस टू टॉप मॉडिफिकेशन कराना है, तो ए टू जेड में आप लोग को हर एक चीज का मॉडिफिकेशन डिटेल में बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र भाई कंप्लीट है टोटली? बिल्कुल कंप्लीट है सर। ठीक है, तो भैया एक एक करके मॉडिफिकेशन बात कर लेते हैं। मैं फ्रंट में देख पा रहा हूँ हेलोजन आता है, बट हम लोगों ने इसमें एलईडी का सेटअप लगा दिया। हाँ जी, हेडलाइट के अंदर ना हेलोजन बल्ब लग के आता है। ठीक है, तो हेलोजन हटा के एलईडी में इसको सेटअप कराया हमने। ठीक है, और 220 वाट की लगाया इसके अंदर। ठीक है, और दो लगते हैं इसके अंदर, लो बीम और हाई बीम अलग 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 होता है। टॉप में बस प्रोजेक्टर आ जाता है लो बीम में। हाँ जी, टॉप में प्रोजेक्टर आ जाता है और जो बेस आता है उसमें प्रोजेक्टर नहीं होता, लेकिन बल्ब दो होते हैं, लो विंग का अलग और हाई विंग का अलग। ठीक है, दोनों के अंदर हमने 220 वाट की एलईडी इसमें कन्वर्ट कराया इसमें। ठीक है, और ये अभी लो बीम जल रहा है, अभी हाई बीम करके गाइस हाई बीम भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ साथ के साथ। ये देखो अभी जस्ट लो जल रहा है, तो यहाँ पे साथ के साथ ये हमारा हाई हो गया भाई। फोकस देखो कितना ज्यादा बढ़िया रहने वाला है, और ब्राइटनेस काफी अच्छा है टाटा में, एलईडी लगने में लो हाई इसमें अलग अलग हो जाता है, तो इसका लेवल ही अलग रह जाता है। बिया ने फॉग लैंप का अपडेट नहीं करवाया। हाँ जी, फॉग लैंप का नहीं करवाया अभी बिया ने, फॉग लैंप नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। एक याद काम तो मतलब टोटली सारे काम हो गया, बस एक फॉग लैंप नहीं लगाया, जरूरत 220 वाट की एलईडी लग गई है तो इतनी जरूरत भी नहीं है खास। ठीक है, क्योंकि दो साइड लगे लो और हाई अलग अलग है। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई बढ़िया चीज है। भैया हॉर्न का भी कुछ अपग्रेड हुआ? हाँ जी सर, क्रेटा हॉर्न भी मैं आप लोग को क्रेटा टाइप दिखा देता हूँ, तो वो भी एक बार चेक कर लो। ये हमारा क्रेटा टाइप हॉर्न लग गया, सेल्टोस क्रेटा टाइप, तो भाई आप लोग एक चीज चेकआउट कर पाओगे। तो फ्रंट से कुछ यही मॉडिफिकेशन की गई है, गाड़ी बेस मॉडल आई थी बट कोई बोल नहीं सकता कि बेस मॉडल है। अब आते हैं हमारे एलॉयज वाले व्हील कवर, व्हील कवर है। ये देखो टाटा के लोगों के साथ हमेशा की तरह, और ऐसा लगता है ना जब गाड़ी चलेगी इवन खड़ी भी है, तो भाई आपको वीडियो में भी लग रहा होगा कि एलॉयज एलॉय व्हील लगा हुआ दूर से देखने में, डोल टोन में ब्लैक एंड सिल्वर, और अंदर जो रिम आता है ना सिल्वर कलर का, उसको भी हमने पेंट कर दिया, ब्लैक कर दिया, दूर से दिखने में आपको एलॉय व्हील का फील आया बिल्कुल। ये देखो गाइस मैं आपको दिखा दूं, तो देखो पूरा एलॉय का फील आ रहा है इसमें। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा मेन पॉइंट, मेन जो सेगमेंट है इस गाड़ी का, ऑटो फोल्ड मिरर, तो इसमें ऑटो फोल्ड मिरर पूरा कर दिया गया है। फंक्शनिंग में आप लोगों को दिखा देता हूँ, उससे पहले आपको सेंटर लॉकिंग के साथ मैं हर एक चीज दिखा देता हूँ। तो एक बार फ्लिप की दिखा दीजिएगा, उसका गाइस मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ बाहर से ऑटो फोल्ड हमारा, तो ये सेंटर लॉकिंग देख लो एक बार। ये देखो भाई मैं आप लोग को ये फ्लिप की रिमोट, और ये टी के लोगो भी लगे प्रॉपर देख सकते हो, ये प्रॉपर जैसे लॉक करेंगे मिरर फोल्ड हो जाएगा, अनलॉक अनफोल्ड हो जाएगा, और अंदर से भी स्विच लगे हैं मिरर के फोल्ड अनफोल्ड के, और मिरर एडजस्टिंग भी होती है। ठीक है, तो अभी लॉक करके दिखाते हैं आपको। ये देखो लॉक करा, लॉक हो गया भाई फोल्ड, और ये गाड़ी भी लॉक हो गया, फोल्ड। ठीक है, ये अनलॉक अनफोल्ड।
ठीक है, बेहतरीन चीज जी, मजेदार चीज है। तो बाहर आप हैंडल क्रोम का भी ऑप्शन लगवा सकते हो। एक डोर वाइजर का अपडेट किया गया, एक डोर वाइजर ये देख सकते हो, गैलियो कंपनी की और क्रोम लाइन के साथ में पूरी देख सकते हो, प्रॉपर ही है। ये देख लो भाई, हमारा डोर गार्ड ओरिजिनल कोरियन है ये, ठीक है। तो ये देख सकते हो चारों लगे, प्राइस भी बताते चलते, काफी कमेंट आता है कि भैया प्राइस नहीं बताया आपने, ठीक है। तो हेडलाइट में एलईडी लगाया है, 2 साल की वारंटी वाली है और ये 220 वाट की, ठीक है। एक पेयर लगता है इसमें 4000 रुपए के, 2 पेयर लगे इसमें 8000 रुपए के, एलईडी 2 पेयर, ठीक है। इसमें अगर कम वोल्टेज की चाहिए तो 150 वोल्टेज की आती है, 3500 के, उससे भी कम आती है तो 120-3000 के रेंज में मिलती है। ये ऑटो फोल्ड मिरर की क्या कॉस्टिंग आ जाती है? इसकी आती है 9000 रुपए की और 2 साल की इसकी गारंटी मिलती है, ठीक है भाई। टाटा जेन्युइन हमारा, हाँ जी, हाँ जी। चलो ये बड़ा चीज है। पीछे की तरफ चलते हैं गाइस, अब तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि पीछे क्या मॉडिफिकेशन की गई है इस कार में। तो यहाँ पे हमेशा की तरह हमारा OEM कैमरा जो टी और आर के बीच में लगता है, ये प्रॉपर कंपनी से भी यही लग के आता है अल्ट्रोज के अंदर, उसी जगह पे प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और पूरा वायरिंग अंडरग्राउंड होगा, वो भी चेक करा देंगे आपको, ठीक है। हमारा ISNG वेरिएंट है और ये रिफ्लेक्टर भी देख लो एक बार गाइस, ये रिफ्लेक्टर देख सकते हो, ये मैट्रिक्स स्टाइल में रनिंग भी करती है, जब हम इंडिकेटर करेंगे तो लाइट ऐसे चलती है इसमें, ठीक है। और यहाँ ये ब्रेक लाइट लगाया, ये भी टाटा जेन्युइन है, ठीक है। पहले ब्रेक करके दिखाते हैं फिर इंडिकेटर करूंगा। चलो गाइस एक बार पहले ब्रेक में आप लोग को दिखा दूं, फिर रिफ्लेक्टर का मैं मैट्रिक्स भी दिखा दूंगा। तो देखो भैया जैसी ब्रेक करेंगे, ये देखो हमारा दोनों ऊपर नीचे का हो गया स्टार्ट पूरा, ये देखो भाई ब्रेक पे पूरा हमारा ब्रेक लाइट ही का आ जाता है, तो ब्रेक पे ही पूरा वर्किंग करता है ये, और रिफ्लेक्टर भी साथ साथ पूरा मैट्रिक्स हो रहा है भाई, ये देख लो, ये देखो भाई हमारा रिफ्लेक्टर भी मैट्रिक्स पूरा हमारा, बेहतरीन चीज है। तो भैया एक्सटीरियर में यही कुछ मॉडिफिकेशन की गई है? हाँ जी, ये एंटीना लगा दे सकते हो विद वायरिंग है, ओरिजिनल एंटीना जो हमारा कंपनी से यहाँ पे आता है वो वाला एंटीना यहाँ पे लगा दिया गया, ये देखो भाई, ठीक है। एक एंटीना का अपडेट हुआ है और बाहर से ये हुआ है, मेन अंदर का काम हुआ है। चलो तो गाइस अब ना मैं आप लोगों को इंटीरियर दिखाता हूँ कि इंटीरियर में क्या क्या मॉडिफिकेशन। गाइस ये हमारी कार का कुछ इंटीरियर रहने वाला है हमारी इसे अल्ट्रोज का, और भाई ये देख के कोई बोल नहीं पाएगा कि भाई ये हमारा बेस मॉडल था, क्योंकि बेस मॉडल तो कसम खा रही है डिजिटल कार ने कि भाई बेस मॉडल तो रहने नहीं देंगे, और टाटा जेन्युइन पार्ट्स साथ इसको टॉप मॉडल करेंगे। तो ये देखो पहले स्टार्टिंग में फ्रंट टू लग के आता था, हमने दिखाया भी वीडियो के बिफोर वाले शॉर्ट्स में पूरे स्टार्टिंग के वीडियो में। तो ये हमारा ऑल फोर हो गया, ऑटो फोल्ड मिरर का स्विच जो वहाँ खाली स्पेस था वो यहाँ पे लग गया है, साथ में K4। अब इसके बारे में डिटेल में धर्मेंद्र भैया बताएंगे। ये जो पावर विंडो है ओरिजिनल टाटा जेन्युइन है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो दो वाला जो लग के आया था वो हटा के 400 वाला लग गया है, ठीक है। जैसे टॉप मॉडल में आता है, और पीछे का भी ये पूरा ये पैनल चेंज हुआ है, ठीक है। और ये जेन्युइन स्विच और ये पैनल लगे हैं सारे, देख सकते हो, ठीक है। पीछे का भी पूरी वर्किंग होगी, अभी यहाँ से चाइल्ड लॉक मैं आप लोग को दिखाता हूँ, चाइल्ड लॉक हटा के। तो ये देखो प्रॉपर तरीके से हमारा वर्किंग है, ये देखो भाई, ठीक है। और ये ऊपर साथ के साथ हमारा ऊपर, बेहतरीन चीज है भाई, ये देख लो, ठीक है। फ्रंट से भी देख सकते हो, तो यहाँ से नीचे ये देखो भाई नीचे हमारा, और ये ऊपर साथ के साथ ऊपर हमारा, बेहतरीन चीज। अभी आगे दिखाते हैं रियर का, यहीं से देख लो गाइस फ्रंट तो से, ये नीचे ये देखो, ठीक है। और ये ऊपर ये देखो भाई साथ के साथ हमारा पूरा का पूरा ऊपर, उस साइड का भी आपका प्रॉपर चलेगा, ठीक है। उस साइड का मैं आप लोग को दिखा दूं, ये देखो ये नीचे, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर हो गया हमारा, ठीक है। वहीं इस साइड का भी मैं आप लोग को दिखा दूँ, तो गाइस ये भी चीज़ चेकआउट कर लो, ये देखो हमारा साथ के साथ ये वाला नीचे, ठीक है भैया। और ये ऊपर, और ये हमारा ऊपर भाई, ये देखो बेहतरीन चीज है, मजेदार चीज, मजा और दिखा दे आपको, ठीक है। तो ये अभी तो प्रॉपर ये वर्किंग है, ये देख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम चाइल्ड लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये काम पीछे का पावर विंडो काम करना बंद हो जाएगा, ये देखो भाई पावर विंडो वर्क करना बिल्कुल बंद हो गया। जैसे बच्चे बैठे हैं वो छेड़ते रहते हैं, तो आप आगे से बंद कर सकते हैं, ठीक है भाई, बेहतरीन चीज है गाइस। ऐसे ही आती है सेम टॉप मॉडल में, वही चीज है, जेन्युइन चीज है। अब ऑटो फोल्डिंग का दिखा देते हैं, ये देखो भाई, तो यहाँ पे लाए और एक क्लिक करेंगे ये फोल्ड हो जाएगा, जैसे टॉप में आता भाई, ये दोनों मिरर देख सकते हो फोल्ड हो गया, ठीक है। दोबारा क्लिक करेंगे दोनों मिरर हमारा खुल गया, ठीक है भाई, ठीक है। ये एडजस्टिंग भी देख लो, इसको आर पे लाएंगे एडजस्टिंग के लिए, देख सकते हो मिरर ये नीचे टुकड़ी है जो शीशे नीचे जाने लगे थे, ठीक है। और ये ऊपर, ये देखो भाई ऊपर हमारा, ये आपका बाहर, ठीक है। मिरर एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से इसको, ठीक है, ठीक है जी। लेफ्ट पूरा टॉप मॉडल का फीचर हमारा, ये यहाँ पे यहाँ से भैया एल पे करेंगे तो ये देखो ये नीचे, ठीक है, नीचे हो रहा देख सकते हो, ये देखो भाई। और ये ऊपर, ठीक है, ये अंदर करेंगे ये अंदर आएगा, ठीक है। और ये बाहर करेंगे ये बाहर जाएगा पूरा प्रॉपर, ठीक है भैया, बेहतरीन चीज, मजेदार चीज होगी गाइस। आप लोग भी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, प्राइस भी बताते चलते हैं। तो ऑटो फोल्ड जैसे बताया हमने 9000 रुपए का खर्चा आता है, पावर विंडो ओरिजिनल
12,000 रुपए का, ठीक है जी। और ये सेंट्रल लॉकिंग विद फ्लिप की रिमोट के साथ में 3200 रुपए का, 3200 में लगा दे। दो रिमोट मिलते हैं, एक फ्लिप की रिमोट और एक सिंपल रिमोट, ठीक है। तो ये 3200 रुपए का कंप्लीट है, 3 साल की इसकी गारंटी है, डोरस्टेप सर्विस है, कोई भी दिक्कत है ऑल ओवर इंडिया से गारंटी आप आरडी कंपनी से ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो गाइज अब मैं आप लोग को पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ कि इंटीरियर में हमारा K4 सीट कवर के बारे में अब डिटेल में बात। सो गाइज अब हम लोग इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो ये हमारी कार का कुछ इंटीरियर रहने वाला है। सबसे पहले हमारा वेलकम लाइट, हमारा K4 GFX मैट मैं देख पा रहा हूँ, क्रोकोडाइल फ्लोरिंग भी सब कुछ लोडेड। बिल्कुल, ये GFX मैट है, प्रॉपर देख सकते हो, प्रॉपर अल्ट्रोज की फिटिंग की है, कट टू कट फिटिंग होगी पूरी, देख सकते हो। ये तो लाइफ टाइम वाला मैट है, एक बार लगा लो भूल जाओ। बिल्कुल ठीक है। और नीचे पूरी फ्लोरिंग भी की है हमने, ये देखो भाई हमारी डाई वाली क्रोकोडाइल फ्लोरिंग है, ठीक है। कोई सिलाई जॉइंट नहीं है, पूरा सिंगल पीस में ये, ठीक है, फुल वाटर प्रूफ है ये, और कुछ गिरता है आराम से, इजी है सफाई करना, आराम से गीला कपड़ा से साफ कर सकते हैं, ठीक है भाई, बढ़िया चीज है। गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे सीट कवर की। तो देखो भैया हमारे फुल ब्लैक के शौकीन थे, तो भैया फुल ब्लैक सीट कवर लगाया गया, फुल ब्लैक है, बीच में देख सकते हो परफोरेटेड वाला है, जैसे टॉप मॉडल में लग के आता है, पूरा वेंटिलेशन टाइप है भाई ये देख लो, ठीक है। और इंपोर्टेड प्यूर लेदर है, इंपोर्टेड साइकिल लेदर है विद लेमिनेशन, ठीक है। और इसकी भी कॉस्ट बताते चलते हैं, तो ये है 6500 वाला अपना, इसमें 5500 वाला भी है अपने पास और 4500 वाला भी है, ठीक है। रेंज होते हैं जो कस्टमर चॉइस करते हैं वो लगाते हैं। चलो भाई बड़े अच्छे लगा। अब मैं बैठ जाता हूँ अंदर, अपने पास 25-30 मिल जाते हैं एवरी टाइम अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो गाइज अब मैं अंदर बैठ के आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि गाड़ी बहुत कुछ से लोडेड कर दी गई है यहाँ पे। और अंदर की तरफ अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया भैया, टाटा जेनवन, ठीक है। देख सकते हो लाइटिंग वगैरह सारी वर्किंग है यहाँ पे, देख सकते हो। यहाँ से जैसे पार्किंग ऑफ करेंगे लाइट बंद हो जाएगी, ये देखो भाई, फिर लाइट ऑन, ये देखो ये लाइट ऑन करेंगे ऑन हो जाएगी, ठीक है। गाइस अब बात कर लेते हैं ये जो हमारा मेन सेगमेंट है, जो आज मैं आप लोग कुछ यूनिक दिखा रहा था। बेस मॉडल में आप लोग होता है इतना स्पेस नहीं मिलता, ये पूरा कवर मिलता है, बट हमने ये पूरा पार्ट ही रिमूव करके टॉप मॉडल का लगा दिया। ये पूरा पार्ट चेंज हुआ है, और बेस मॉडल में इतनी स्पेस नहीं मिलती जगह सामान रखने के लिए, ठीक है। तो ये अलार्म टॉप मॉडल वाला लगाया, जैसे टॉप मॉडल का आर्मरेस्ट आता ना बराबर, तो आर्मरेस्ट चेंज नहीं करा, खाली ये वाला पार्ट चेंज करा, ठीक है। इसके अंदर हमारे को देख सकते हो यूएसबी सॉकेट भी मिल जाता है, यूएसबी सॉकेट लगाया पूरा, ये देखो भाई बेहतरीन। यहाँ पे आप सिगरेट लाइटर जैसे की मैं दिखा रहा था 12 वोल्ट की, ये देखो लगाया, इस पर चार्जिंग पॉइंट हो गया कोई एक्स्ट्रा, ठीक है। यूएसबी सॉकेट भी प्रॉपर, टाटा जेनवन है, यहाँ से आप यूएसबी लगा के कुछ वीडियो ऑडियो सुनना है तो लगा के सुन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइट भी लगी है, देख सकते हो, ये देखो भाई हमारा लाइट, जैसे पार्किंग बंद करेंगे ना लाइट बंद हो जाएगी। अच्छा टॉप मॉडल वाला पूरा फीचर है भाई, ये देख लो, ये हो गई ना भाई मजेदार चीज, पार्किंग ऑन करते लाइट लाइट जल जाएगी पूरी। मतलब कुछ सामान मान फोन वन पड़ा है तो भाई को दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत ना हो, जहाँ कुछ भी उठाना हो तो आराम से उठा सकते हैं, स्पेस भी काफी है, इसमें बहुत सारे सामान रख सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट की क्या कॉस्टिंग आती है, कोई मेरा भाई अल्ट्रोज बेस में लगाना चाहे तो 1700 में पूरा जेनवन ओरिजिनल, भाई मजेदार चीज है भाई, पूरा मतलब ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, मतलब हर कोई भाई हमारा लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगवा सकते, ठीक है भैया। आप चीजें और जेनवन है, टाटा की जेनवन है सारा पार्ट, ये देखो भाई बेहतरीन। स्टार्टिंग हम लोगों ने टाटा का पार्ट वार्ट सब दिखा दिया था, GT9 का हमारे यहाँ पे एंड्रॉइड लगा, GT9 का है ये, हाइपरसोनिक वालों को GT9 मॉडल है, ठीक है। भैया की डिमांड थे हाइपरसोनिक की, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और काफी अच्छी एंड्रॉइड होती है इनकी, 4 GB रैम है, 32 GB इसमें इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। और एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले के साथ में, ठीक है, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वायरलेस अपना चला सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्पीकर की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में इन्फिनिटी दिखा दिया था, प्राइमस कंपोनेंट फ्रंट डोर में, बैक डोर में कॉक्सियल, ठीक है। और हरमन की जो रहती है अपनी, तो यहाँ पे टूटर वगैरह पूरा फिट हो गया, जैसे टॉप मॉडल में आता प्लेसिंग जो जगह होती है वहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। उसकी वारंटी कार्ड वगैरह, ये देखो भाई वारंटी कार्ड, 1 ईयर की हमें वारंटी मिल जाती है इसकी कंपनी की तरफ से, ठीक है। हाँ जी चलो, तो गाइस अब एक बार रिवर्स कैमरा जो OEM लगा है वो दिखा देते हैं। तो ये देखो भाई हमारा पूरा AHD वाला रिवर्स कैमरा हो गया हमारा, तो ये देखो भाई फुल क्लैरिटी हमेशा की तरह, USD नाइट विजन है लगा हुआ, अब दिखेगा भाई आपको, ये देखो, ठीक है भैया मजेदार चीज, हाँ हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे शीशा भी चेंज करा हमने, जो छोटा वाला लग के आता है वो हटा के लगाया, ठीक है, लग के वाला आता है, ठीक है। ये देखो भाई तो ये हटके, ये टाटा जेनवन है, ये भी टॉप मॉडल में जो लग के आता है, और ये पूरी डे नाइट एडजस्टिंग वाली है ये, ठीक है भाई, बढ़िया चीज है, हाँ जी मजेदार, मजा ही आ गया। हाँ जी एक चीज और लगाया हमने, ये बूट लैंप देख सकते हो, इसके अंदर लाइट जल रही है, जैसे इसको बंद करेंगे लाइट बंद हो जाएगी, ये देख सकते हो लाइट बंद हो गई, ये देखो भाई जैसे बंद करेंगे, सॉरी बूट लैंप कह रहे हैं हम, एक ग्लो बॉक्स लैंप, ग्लो बॉक्स दोबारा से बोलता हूँ, एक हमने देख सकते हो यहाँ पे ग्लो बॉक्स लैंप लगाया है, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लाइट जल रही है, और जैसे हम इसको बंद करेंगे लाइट बंद हो जाएगी, सेंसर वाला जैसे हम लगाते हैं,
ये देख सकते हो, जैसे वहाँ पे वो लोहा टच होगा ये अपने बंद हो जाएगा। ठीक है, बूट लैंप ये भी टाटा जेनमन लगाए देख सकते हो, और जो काम हुआ इसके अंदर शीशा दिखाई दिया, बाकी पीछे पार्सल ट्रे वगैरह भी लगाया हमने, ओरिजिनल टाटा का वो भी दिखा देंगे। ठीक है, यही सब काम हुआ इस गाड़ी। ओवरऑल क्या कॉस्टिंग आई भैया इस गाड़ी का? टोटल कॉस्ट है भैया 78,000 के आसपास। 78,000 में हम इस लेवल की गाड़ी रेडी करके देते हैं। हाँ जी, वही फायदा तो फिर बेस मॉडल लेने में ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल अपने हिसाब से मॉडिफाई, अपने हिसाब से करवाओ, जैसा मन पसंद काम हो उस हिसाब से काम करवाओ, और हर चीज की वारंटी गारंटी मिलती है। और जैसे कि हम दिखाते रहते हैं सारी गाड़ी जो हम करते हैं टाटा की, तो कपलर टू कपलर करते हैं, कोई वायर वगैरह में दिक्कत नहीं आने वाली है, जो गाड़ी की वारंटी गारंटी में दिक्कत आ जाए। कई बंदे सोचते हैं यार बेस मॉडल में काम करवाएंगे कहीं गाड़ी की वारंटी में दिक्कत आ जाए, तो वो चीज नहीं। हमारे जो काम होगा बिल्कुल परफेक्ट काम होता है, और टाटा का जेन्युइन काम होता है, कपलर टू कपलर काम होता है, तो कहीं से भी आप टाटा से भी चेक करवा सकते हो, कहीं से कोई गारंटी वारंटी में दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो भाई बढ़िया चीज है, स्टीयरिंग कंट्रोल देख सकते हो, टाटा जेन्युइन प्रॉपर वर्किंग है देख सकते हो। ये देखो प्लस हमारा, हाँ जी, माइनस हमारा, माइनस यहाँ से म्यूट, ठीक है, सारे वर्किंग है प्रॉपर। चलो भाई बढ़िया चीज है गाइस। तो अब गाइस सीधा भैया और का रिव्यू लेते कि उन्हें मॉडिफिकेशन कैसी लगी और वो कितने सेटिस्फाइड हुए आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन। सो गाइस ये हमारे भैया और की अल्ट्रोस थी, जो कि अभी आप लोगों ने पूरी मॉडिफिकेशन देखी, और भैया भी हमारे काफी व्लॉग्स देखते थे और यहाँ पर आया, तो भैया से ही जानते हैं भैया आपका नाम और कैसी लगी मॉडिफिकेशन। भैया मेरा नाम अजय है भाई, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। हाँ हाँ, काम भाई ने सारा तसल्ली से करा है, बढ़िया काम करा है। ठीक है, और काम सारा कपलर टू कपलर फिटिंग करी है। ठीक है, तो सारा बढ़िया काम है, मस्ट विजिट, मैं यही कहूँगा भाई। ठीक है, मतलब सेटिस्फाइड है पूरा पूरा, पूरा सेटिस्फाइड हूँ, बट जो भी आए भाई टाइम पूरा निकाल के आना, क्योंकि मैं सुबह आया था 10-11 बजे और पूरा दिन लग गया। बेस टू टॉप में टाइम लग ही जाता है, उसमें सबर का फल मीठा होता है। तो है ही भाई मतलब बढ़िया हुआ पूरा बॉडी, खुश है, तसल्ली होगी भाई, बिल्कुल तसल्ली होगी हमारी। ला आप भी खुश है पूरा पूरा, यानी डिस्काउंट वगैरह भी काफी अच्छा करा है। हाँ हाँ, मतलब जो सोच के आए थे उस हिसाब से गाड़ी रेडी हुई है हमारी। चलो भाई थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र जी आपको कुछ कहना है? भैया देखो ये टाटा की गाड़ी है, इसमें टाइम लगता है, बाकी गाड़ियों से जैसे मारुति की गाड़ी है, हुंडे की गाड़ी है, उससे इसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें वायरिंग वगैरह सारी अपनी करनी होती है। बिल्कुल, मारुति वगैरह में वायरिंग डल के आती है, ठीक है, और वायरिंग अपनी डालने के लिए पूरा पार्ट खुलता है, पीछे के पैनल आगे के पैनल खुल के वायरिंग डलती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसे भी ना बाकी जो गाड़ी है मारुति वगैरह की गाड़ी है, उससे इसको खोलना और बंद करना काफी हैवी है, हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ काफी हैवी है, और मारुति वगैरह जैसे 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, तो इसमें 4 घंटे लगता है टाइम। बिल्कुल लगता बिल्कुल, तो टाइम तो बिल्कुल लगता ही लगता है सर, लेकिन काम जो होता है तसल्ली पूर्वक होता है, तो सारा दिखा के कस्टमर के सामने ही होता है। चलो थैंक यू सो मच। सो गाइस आप लोग भी प्लान कर रहे हो अल्ट्रोस मॉडिफिकेशन का, डू कॉन्टेक्ट डिजिटल कार श्रृंगार, बोर्ड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।